अहम खबर आपको देंगे। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत कल होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर हाईकोर्ट में पेश न होने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। उमर शाकिर से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ आपको बताएं कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई है हाजिरी से। इसके साथ साथ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत कल होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना होने का इम्कान है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दिए जाने का इम्कान देखा जा रहा है। ये आपको खबर दे रहे हैं अहम, जो कि हाई कोर्ट में पेश ना होने का फैसला किया गया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से। ये कहा जा रहा है हो सकता है नवाज शरीफ कल कोर्ट में पेश ना हो। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर बताइएगा। अजी साबिक वज़ीरे आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मियां नवाज शरीफ के पेश ना होने का इम्कान है, जबकि साबिक वज़ीरे आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। नवाज शरीफ के वकील नज़ीर भुट्टा ने बताया है कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जाएगी और नवाज शरीफ पेश ना होने से मुतल्लिक ये दरख्वास्त उनकी जानिब से जमा करवाई जाएगी। दरख्वास्त नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई के लिए दायर की गई है, जिसमें मौका भी तैयार किया गया है कि नवाज शरीफ ने मतनाज़ा इंटरव्यू दे दिया जिससे मुल्क की बदनामी हुई और ये गद्दारी के जिम्मे में आता है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म नेशनल। अच्छा उमर ये बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ कल पेश नहीं होंगे, उन्होंने उजर क्या पेश किया है और इसके अलावा कल शाहिद खाकान अब्बासी पेश होने जा रहे हैं? नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए थे, जिस पर बेंच जिस पर मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क दिए थे कि नवाज शरीफ पेश क्यों नहीं हुए, जिस पर अदालत ने ये हदायत की थी कि अगर वो पेश नहीं होना चाहते तो हाजिरी माफी की दरख्वास्त दें। नवाज शरीफ के वकील नसीर भुट्टा से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश नहीं होंगे और उनकी जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी, जबकि साबिक वज़ीरे आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस मुकदमे में अदालत के रूबरू हर समाअत पर पेश हो रहे हैं। एक समाअत पर पेश ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जब भी इस केस की समाअत होती है वो पेश हो रहे हैं और कल भी शाहिद खाकान अब्बासी। ठीक है, साबिक वज़ीरे आज़म के खिलाफ गद्दार केस की समाअत कल होने जा रही है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर, अपडेट कर रहे थे आप।